तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो भाई साहब, मतलब इस गेम प्ले की बात करूं तो स्टार्टिंग तो ये गेम प्ले एकदम स्लो होगा। मतलब देखो, सब लोग रैंक पुश करने में पता नहीं क्यों लगे हुए, सीजन खत्म होने को आया है फिर भी नहीं उतरते हॉट ड्रॉप पे। लेकिन भाई साहब, मतलब जैसे जैसे जोन छोटा होगा ना, वैसे वैसे मतलब इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती जाएगी, मतलब मजा आ जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो वीडियो पर बने रहना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, मजा आ जाएगा सीरियसली। मतलब एक क्लाइमेक्स जैसा फील होगा आपको, फिल्म जैसा, कि स्टार्टिंग से स्लो हो रहा है फिर क्लाइमेक्स में एकदम सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो मजेदार होगा। मतलब ऐसा नहीं करना कि जाके लास्ट में ही वीडियो देखना, नहीं, स्टार्टिंग से देखो, मजा आएगा सीरियसली बोल रहा हूं। और मेरी वॉइस है आपको मजा दिलाने के लिए, चाहे गेम में दम रहे ना दाए, अपनी वॉइस में दम है इतनी कि आपको मजा दिला देगा। तो वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो इतनी हेल्प कर दो कि प्लीज एक एक मेरी पर डे जितनी भी वीडियो आती है उसको शेयर किया करो यार। मतलब अपने दोस्तों को भी बताओ ना, तुम देखते हो, तुम मजे लेते हो, मतलब मुझे हेल्प नहीं हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज एक शेयर जरूर कर दो। मुझे टैग करो ना इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी शेयर करोगे इंस्टाग्राम पे, हर जगह स्टोरी में डालो, मुझे टैग करो, मैं आपको शाउट आउट दूंगा इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे। तो और ये सब तो रही भाई साहब भीख मांगने वाली बात है, और इसी के साथ मैं उतर जाता हूं मिल्टा पावर में, और मुझे मिल चुकी है मिनी 14। और भाई साहब मैं सोच रहा हूँ लग क्यों नहीं रही गोली, भाई साहब मतलब इतना गंदा डैमेज दे दिया है उसने, दो गोली मार के, मतलब कौन सी पिस्टल से मारा अपने को नहीं पता। मतलब हाँ, डेजर्ट ईगल उसका नाम है, और बहुत गंदा डैमेज था। मतलब एक गोली और लग जाती ना मेरे को, मैं उधर ही खत्म हो जाता। तो मैं बोलता हूँ जैसे तैसे भग भुगा के मारो, नहीं लगेगी 50 गोली मारनी पड़ेगी चलेगा, लेकिन अपने को एक गोली नहीं लगनी चाहिए भाई साहब। हाँ, और इसी के लिए मतलब मेरा एम इधर से उधर जाता, और इसको मारने के बाद भाई साहब एक बॉट आता है इसको लूटने के लिए, पता नहीं उसको भी मारता हूँ, फिर एक बॉट आता है, फिर एक बॉट आता है, सब बॉट को मारता हूँ भाई साहब। 3 बॉट आते हैं यहाँ पे, मतलब एक एक करके वो दिखाऊंगा नहीं, मतलब हाँ ठीक है। अब बंदे आ गए, अपने पास फ्लेयर गन है तो फ्लेयर मंगा लिए अपन, और बंदे आ गए हैं तो उसको मारते हैं। और भाई साहब इस फ्लेयर को देख के दो लौंडे यहाँ पे आते हैं, मतलब दोनों एक ही टीम के होते हैं, दो गाड़ी से आते हैं, एक लेफ्ट में रुकता है एक राइट में रुकता है, मतलब दोनों है ना मॉर्टल के फैन होते हैं, कतई पीएमसीओ वाला मैच बना रखा है इन लोगों ने भाई साहब, मतलब कतई जहर टाइप का उतरते हैं दोनों। दोनों सोचते हैं दो तरफ से मारेंगे, लौंडे को बचेगा किस तरफ से, और मैं भी होशियार, मैं ड्रॉप लूटता नहीं हूँ, पहले उसी को मारता हूँ, पहले राइट वाले को मारता हूँ, नहीं पहले लेफ्ट वाले को मारता हूँ, उसके बाद मतलब राइट वाले को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक वो बग्गी उठा के चला जाता है रिवाइव करने के लिए। अब देखो रिवाइव पेल चुका है वो, फिर भी मारेंगे उसको। और भाई साहब इन दोनों को तो मैं इजी तरीके से मार देता हूँ, इसको मारने के बाद भाई साहब ड्रॉप से मुझे AWM मिल जाती है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और दूसरे ड्रॉप के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे मतलब एक लौंडा बैठा हुआ है, उसकी खोपड़ी उड़ाऊंगा मैं अभी, लेकिन देखना यहाँ पे मतलब AWM की गोली की कितनी बर्बादी करता हूँ। मतलब एक तो 25 गोलियाँ मिलती है इसमें, फिर भी 5 गोली वेस्ट कर दूंगा मैं एक बंदे को मारने में। और भाई साहब यहाँ पे मैं ओम की 5 गोलियाँ चलाता हूँ, जिसमें से 3 गोली उस लौंडे को लगती है और तीसरे में मरता है वो, तो 2 गोली सिर्फ वेस्ट हुई है भाई साहब। 3 गोली मारा हूँ मैं उसको, उसको कभी हेड पे लगा है, कभी पैर पे लगा है, कभी बॉडी लगी है भाई साहब, वैसे वैसे करके लौंडा मरता है और दिल को शांति होती है, और यहाँ पे कोई नहीं आता उसके बाद, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और भाई साहब मैं फिर पहुँचता हूँ इस जगह पे, मतलब पेटी वेटी बांध लो, तैयार हो जाओ, मतलब तबाही के लिए तैयार हो जाओ, यही वो जगह है जहाँ पे मतलब तबाही होने वाली है भाई साहब। मतलब 2-3 घर है यहाँ पे और सारे घर में बंदे भरे
पड़े हैं, मतलब 14 बंदे अलाइव हैं और 14 के 14 बंदे भाई साहब यहीं हैं। मैंने थंबनेल पे 10 लिखा था, अभी 13 हो गए हैं, तो फिर भी है ना 14 13 जो भी बंदे हैं सारे बंदे इधर ही अवेलेबल हैं, मतलब कोई कहीं नहीं गया, मतलब इतना बड़ा जोन है लेकिन फिर भी सारे के सारे यहीं पर हैं। और देखो यहाँ पर मैं चढ़ा हूँ लेकिन मेरे को कोई एंगल नहीं मिलता, तो मैं बोलता हूँ भगो आगे जाके ओपन में मारेंगे, मतलब किल की भूख बहुत है मुझको। मैं ओपन में जाता हूँ, मुझे पता है सामने वाले घर में बंदा है लेकिन फिर भी मैं उसकी फिक्र नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ जाऊँगा ओपन में मारूंगा, मतलब वो दिख जाएगा एक बार, तो AWM है मेरे पास, मैं शॉट दे सकता हूँ, इतनी मैं औकात रखता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं वो दिखता है भाई साहब। लेकिन मैं जब ओपन में आता हूँ उसके करीब जाता हूँ तब वो फायर करता है, तो मैं बोलता हूँ अब तो घुसना पड़ेगा घर के अंदर। तो भाई साहब देखो क्या होता है, और भाई साहब यहाँ पे आके ना मैं अंधा नेड करता हूँ, मतलब देखो ये सारे नेड बचे होते तो शायद आगे काम आता ये नेड, लेकिन नहीं भाई साहब, मतलब मैं अंधा नेड करता हूँ, छत पे फेंक देता हूँ, नीचे फेंक देता हूँ कि किधर भी आएगा लौंडा ठिलेगा ही ठिलेगा। लेकिन भाई साहब इतने सस्ते नेड होते हैं मेरे कि मतलब मुझे लगता है कि लौंडे को डैमेज तक नहीं हुआ होगा भाई साहब। तो मैं बोलता हूँ सीधा रश करते हैं, ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, तभी भाई साहब सामने वाले खटाल में गाड़ी आ जाती है, तो अब उससे भी बचना पड़ेगा। और भाई साहब मेरी सस्ती फायरिंग से ये दोनों भी बच जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ ठीक है अभी तुम लोग रुको, मैं पहले ऊपर वाले को पेल के आता हूँ। तो मैं ऊपर जाता हूँ उसको पेल के आता हूँ, और भाई साहब इसको जैसे ही मारता हूँ मैं सोचता हूँ अब AWM निकालता हूँ, सामने वाले की खोपड़ी उड़ाता हूँ। लेकिन भाई साहब तभी मेरे पीछे से मतलब फुटस्टेप आने लगे और बंदा मतलब नेट वेट करे जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ ऐसे ठिल जाऊँगा तो जाके पेलना पड़ेगा मेरे को। अब देखो कैसे पेलते हैं पीछे वाले को, और भाई साहब इसको जैसे ही मारता हूँ मतलब मेरे घर में स्मोक होता है, तो मैं समझ जाता हूँ सामने वाली टीम है ना पूरी मूड में है रश करने को, तो मैं समझ जाता हूँ, तो मैं पीछे आता हूँ, थोड़ा सा बैक होता हूँ, और भाई साहब पीछे से मेरे ऊपर फायरिंग होती है वो भी बोल्ट एक्शन से, तो मैं समझ जाता हूँ भाई साहब मैं घिर चुका हूँ, मतलब पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया, इधर भी लौंडे तुम जाओगे कहाँ। लेकिन फिर भी मैं कवर लेता हूँ किसी तरीके से, और फिर देखो मतलब यार मैं आगे जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि चलो यार पीछे वाले अभी बहुत पीछे हैं तो सामने वाले से लड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही सामने वाले से लड़ने जाता हूँ भाई साहब पीछे वाले आ जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। और भाई साहब यहाँ पे तो मैं जैसे तैसे एक को नोक देता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ एक नेड और होता ना तो भाई साहब आराम से उसको फिनिश कर देता, लेकिन एक भी नेड अपने पास बचे नहीं है क्योंकि सारे के सारे नेड है ना तुम्हारा भाई वेस्ट कर चुका है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो फिर भी हिम्मत करता हूँ और रश करने की कोशिश करता हूँ। देखो उधर चार लौंडे, मतलब दो नहीं है चार लौंडे उधर, लेकिन एकदम खुलेआम रश नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा भाई फिर से पंगे लेता है, बोलता है रश करेंगे। लेकिन रश करने के लिए जाता हूँ लेकिन पीछे से फुटस्टेप आने लगते हैं भाई साहब दबा दबा के, मतलब दो दो लौंडे के, तो मैं बोलता हूँ हमसे ना हो पाएगा, खुलेआम पीटे जाएंगे। तो फिर से बैक आता हूं और दोनों लौंडे को पीछे से कैसे पेल देता हूं देखो। और भाई साहब इसको जैसे ही फिनिश करता हूँ मतलब इसका पार्टनर मेरे ऊपर रश कर देता है, तो उसको भी पेल देते हैं हम।
और भाई साहब इसको तो मैं आसानी से मार देता हूँ, मतलब जैसे तैसे मार देता हूँ इसको, लेकिन भाई साहब अपने ऊपर जोन है नहीं और सामने वाला लौंडा वो दो लौंडे को मार देता, मतलब बचे हैं सिर्फ तीन लोग। अब देखो मेरे पास जोन है नहीं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ओपन ग्राउंड है पूरा, एक भी कवर के नाम पे, बस ये पेड़ मुझे दिख रहा था तो मैं सोच रहा था ये पेड़ का कवर ले लूँगा, लेकिन भाई साहब ये पेड़ पे मतलब आधा पे जोन बन जाता आधा पेड़ पे नहीं बनता, तो ये चीज़ें दिखती भी नहीं है जोन में, मतलब मैप खोल के आप देखोगे तब भी नहीं दिखेगा कि पेड़ पे जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इस चीज़ के बीच में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ मैं, यहाँ पे लेट जाता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि बंदा घर के अंदर है कि घर के बाहर है, एक बंदा तो घर के अंदर होता है लेकिन एक बंदा घर के बाहर कहाँ पे होता है, वो सांप बन के मेरे को पेल देता है यार, वो देखो मतलब ऐसे नहीं पेल देता, आसानी से नहीं पेल देता, लेकिन फिर भी देखो कैसे पेलता है, और उसके बाद में क्या करता हूँ वो चीज़ देखना। और भाई साहब मैं सोचता हूँ कितनी देर बच जाऊँगा, मतलब ओपन ग्राउंड है यार, बचने का कोई चांस नहीं है, मतलब स्मोक स्मोक मैं फेंक देता पहले, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं पेड़ का कवर लूँगा, लेकिन वो पेड़ के आधे पोर्शन में, मतलब आधे से भी कम पोर्शन में जोन बन जाता है, तो मैं कवर नहीं ले पाता हूँ, इसके लिए मैं मारा जाता हूँ, और ये गलती होती है। अब जोन क्या कर सकते हैं, जोन साथ नहीं दे रहा है, इतना सा साथ नहीं दिया तो, लेकिन यदि थोड़ा सा भी साथ देता तो मैं ये गेम निकाल लेता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करना कभी मत भूलना, वीडियो को शेयर करो, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो, इंस्टाग्राम पे मैं आपको शाउट आउट दूंगा, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।